पांडी प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में शौच मुक्त होने की चर्चा जोरों पर चल रही है। बताते चले कि यह चर्चा इस वजह से चल रही है, अभी कुछ ही दिनों पहले सभी पंचायतों में खुले में शौच मुक्त का बोर्ड लगाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि ऐसे कई गांव हैं जहां लोग शौच करने के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। एक और जहां सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की योजना स्वच्छता अभियान में लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी सफाई को लेकर एक से बढ़कर एक योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक उसके दूसरी ओर शौचालय मुक्त करने के लिए शौचालय बनाया गया था, पर जमीनी हकीकत यह है कि उस शौचालय में न तो छत है न ही टंकी की कोई व्यवस्था है, केवल तीन तरफ से दीवार खड़ा करके छोड़ा गया है। हद तो तब हो गई जब सभी पंचायतों में शौच मुक्त का बोर्ड लगा दिया गया है। मछिगावा पंचायत निवासी नागेंद्र नाथ चौबे, विमल मिश्रा, राजेश चौबे, सविता देवी, किरण देवी, राधिका देवी, जगदीश पासवान सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शौचालय बनाने के लिए सहायता प्रदान होने वाला था। वे अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ शौचालय बनाने के लिए ईटा गिराया गया था, पर ईटा गिराने के बाद ठेकेदार कहाँ भाग गए, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ईटा अब पड़े पड़े खराब होने के कगार पर है। आपका क्या नाम है? नागेंद्र नाथ चौबे। आपके यहाँ शौचालय बना है? जी ना, ठेकेदार आए और ईटा गिराए, आज तक पता नहीं कुछ ईटा गल गया कुछ फूट गया। और गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।